हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है नॉन कॉलेज वाले बच्चों का। तो अब बिल्कुल जल्दी जल्दी हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने और इन टॉपिक्स को ख़त्म करके मैं टेस्ट भी लेना शुरू करूँगा। तो सभी बच्चों को टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा और वो ईमानदारी से घर से ही टेस्ट देकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे ताकि मैं उसको चेक कर सकूं कि हाँ आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है? अच्छा, तो अब हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पढ़ा था। उसके कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए थे हमने, क्योंकि उसको सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें एक छोटे से बेस की ज़रूरत है जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में मदद करेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, डिफरेंशिएशन में इसी से रिलेटेड कम से कम 7-8 टॉपिक आपको दिखेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये सब आप अपनी छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देखना है कि एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा एक CX दिया होगा, जिसका मतलब होता है कॉस्ट फंक्शन। जिसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन, यानी आपको किसी भी यूनिट की कोई कॉस्ट दी गई होगी कि हाँ जी कोई भी सामान खरीदा हमने उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट है। ठीक, उसके बाद आपको आउटपुट, यानी जो कितनी संख्या में आपके पास नंबर है, संख्या है, कोई मान लीजिए चेयर खरीदा, चेयर कितनी है। ठीक है, आपने मार्कर खरीदा, मार्कर कितने हैं। ठीक है, फैन खरीदे, फैन कितने हैं। तो वो सारे आपके आउटपुट है, जिसे हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या है? इसी आउटपुट को कितने रुपए में खरीदा गया है, वो कौन है भाई आपका कॉस्ट फंक्शन। अब इन्हीं दोनों से हम ये दो बेसिक इसके फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक, इन्हीं दो से, किस किस से? कॉस्ट फंक्शन से और आउटपुट से। तो जब हमें एवरेज कॉस्ट निकालना होगा, जब हमें क्या निकालना होगा? एवरेज कॉस्ट निकालना होगा। तो हम हमेशा एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं कि भाई जितने हमारे पास टोटल हमारे पैसे खर्च हुए हैं और जितना हमारे पास सामान आया है उससे डिवाइड कर दो। तो हमारे कितने रुपए खर्च हुए हैं? हमारे रुपए खर्च हुए हैं भाई CX। कितना हम सामान लेकर आए हैं? X। तो डिवाइड कर दिया, क्या बन गया? एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई हर किसी पे एवरेजली पैसे बट गए कि हमने अगर ये मार्कर खरीदे 10, तो भाई 10 मार्कर है और मान लीजिए टोटल हमारा खर्चा 10 रुपये आया है, तो आपसे कोई बोलेगा कि हाँ भाई एवरेज इनका मार्कर का खर्चा कितना आया, तो आपने बोल दिया हाँ भाई 10 अपॉन में 10, काट दिया, 1-1 रुपये सब पे आ गया। तो यानी एवरेज सारे मार्कर 1-1 रुपये के हैं। तो इस प्रकार से ये क्या निकाला हमने? एवरेज कॉस्ट। अच्छा, नेक्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्या आता है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? पहले इसका फॉर्मूला समझो। जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका कॉस्ट है, उसको उसके यूनिट के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, जितनी यूनिट आपने खरीदी है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर देंगे भाई? डेरिवेटिव कर देंगे, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। अब ये मार्जिनल कॉस्ट है क्या चीज, ये पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो आपने किसी फंक्शन को सॉल्व किया और उसका मार्जिनल कॉस्ट मान लो आ गया 2 रुपए, फॉर एग्जाम्पल एक बात कह रहा हूँ। ठीक, किसी भी आपने कॉस्ट का डेरिवेटिव किया, कॉस्ट का डेरिवेटिव किया और उसका मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया? 2 रुपए। तो इसका मतलब पता है क्या है कि मान लीजिए आपने भाई कोई छठी यूनिट से 7वीं यूनिट के बीच में, यानी आपने मान लीजिए कोई 7 यूनिट बेचे। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ छठा यूनिट और मैं कहता हूँ 7वां यूनिट, तो छठे यूनिट और 7वें यूनिट के बीच में जो गैप होगा वो कितने रुपए का होगा? 2 रुपए का। मतलब आपने 2 रुपए लगातार इंक्रीज करते जा रहे हो, यानी जैसे जैसे आप यूनिट बेचते जा रहे हो, 8th पे आए फिर 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा कर लिया, फिर आप 9th पे आए फिर आपने 2 रुपए एक्स्ट्रा कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट, यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बेचते जा रहे हो आपका ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है,
अब ये देखना है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आएंगे रेवेन्यू के टॉपिक पे तब सीखने लग जाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें एवरेज और मार्जिनल इन दोनों को देख के चलना पड़ेगा कि एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ये और मार्जिनल कॉस्ट का ये। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो और ये इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया गया है 0.1x² + 3, और आपसे कहा गया एवरेज कॉस्ट निकालिए, मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, और मार्जिनल कॉस्ट निकालो अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं तो, अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो कितना सिंपल है, आप सभी को पता है एवरेज कॉस्ट क्या होता है, सी एक्स अपॉन में एक्स। अच्छा सी एक्स, हाँ जी। मार्जिन ये आपका कॉस्ट कितना आया हुआ है, 0.1x² + 3, और आपको यूनिट भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है एक्स, यानी आपको जो यूनिट दे रखी है वो कितनी दे रखी है एक्स। तो बस कुछ नहीं करना, 0.1x² एक्स को एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे कैंसिल आउट कर दो, आपके सामने आंसर आ गया 0.1x + 3 अपॉन में एक्स। तो ये आपका क्या आ गया भाई, एवरेज कॉस्ट। ये आपका क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट। ये आपको एक्स आउटपुट दे रखा है, आपका जो आउटपुट है वो पहले से ही आपको गिवन है एक्स। ठीक, अब अगर बात करता है मार्जिनल कॉस्ट की, तो मार्जिनल कॉस्ट में तो आपको पता ही है कि भाई कॉस्ट का डेरिवेटिव करना होता है, तो कॉस्ट कितना है हमारा, कॉस्ट है हमारा 0.1x² + 3, और इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव कीजिए डेरिवेटिव। हाँ जी, 0.1 × पावर आगे एक कम प्लस थ्री का, तो क्या बन जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई 0.2x, ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब उसने बोला है थर्ड पार्ट में कि मार्जिनल कॉस्ट निकालो अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालो अगर एक्स कितना है भाई, 4 है, यानी अगर एक्स कितना पुट हो रहा है, 4 पुट हो रहा है, तो सिंपल कीजिए। हाँ भाई, मार्जिनल कॉस्ट कितना है तुम्हारा, 0.2x, तो 0.2 और एक्स की जगह पे 4, तो यानी 0.8, ये आपका क्या आ गया, मार्जिनल कॉस्ट, यानी 0.8 रुपीज, 0.8 रुपीज, इतना आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया। तो इतना सिंपल सा काम करना है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन और ले रहा हूं फिर मैं। हेलो, तो बच्चों आपके पास फिर से ये कॉस्ट दिया गया है जिसमें आपको एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट प्रोड्यूस और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21 यूनिट निकालना है। ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको और बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन की खास बात, इसी में एक माइनर चेंज करके पिछले 3 से 4 साल में ऐसा ही एक क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है बार बार, यही सेम क्वेश्चन। तो हाईली इंपॉर्टेंट में डाल लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में डाल लो आप इसे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार मैंने रिपीट होते हुए देखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनर चेंज करते हैं और चीज बिल्कुल यही सेम होती है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, 20 यूनिट प्रोड्यूस और 21 यूनिट का कॉस्ट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो एवरेज कॉस्ट निकालना मेरे लिए और आप सभी के लिए कोई ज्यादा टफ वर्क नहीं है, बहुत ही इजी है, और आपको पता है कि इसमें करना क्या है। बस तो एक्स को सेपरेट कर लेंगे हर किसी के नीचे, एक्स 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 एक्स, ये आ गई। इसके बाद एवरेज कॉस्ट के बाद मार्जिनल कॉस्ट, सेकेंड पार्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट का डेरिवेटिव करके। हाँ जी, कॉस्ट क्या है, 1530x² ये है कॉस्ट, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। कीजिए, 1500 कोई एक्स नहीं है, 0, 30 एक्स का 1, x² का पावर आगे एक कम, तो 30 + 2x, ये क्या आ गया आपका, मार्जिनल कॉस्ट। चलिए थर्ड पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट कितने यूनिट प्रोड्यूस, 20 यूनिट, यानी जहां पर आपके पास एक्स होगा
वहां आप 20 पुट कर देंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि कितना आ गया, 40, और ये 70 रुपीज, इस तरीके से। अच्छा, अब बात आती है 21st यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 21st यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो आप पहले, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ये जैसे ही आप नोट कर लेंगे उसके तुरंत बाद मैं आपको फोर्थ पार्ट कराता हूं, इसका बहुत अच्छा है ये। तो बच्चों, अब आपको फोर्थ पार्ट में क्या निकालना है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट। अच्छा, अगर बच्चों आपको मैं एक सिंपल सी बात कहूं, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए आपके पास 7 यूनिट है, आपके पास 7 यूनिट है, और आपको कहा जाए कि भाई आप ना 7th यूनिट का कॉस्ट निकालिए, ठीक है, आपको ये 7वें नंबर पे जो भी प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट निकालिए। तो अब क्या करेंगे भाई, अब अगर आपको टोटल 7 का कॉस्ट पता है और टोटल 6 का कॉस्ट पता है, तो आप टोटल 7 में से टोटल 6 वाले कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो किसका कॉस्ट बचेगा, 7th का बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो सेम काम यही करना है, हमें 21st यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट मांगा गया है। हमसे क्या मांगा गया है कि हमें 21st यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट। तो देखो बच्चों, कॉस्ट तो असल में यही है, कॉस्ट तो असल में हमारे पास ये है, और हमसे कॉस्ट जो मांगा गया है वो एक्चुअल यूनिट 21st यूनिट का मांगा गया है, 21st यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट। तो कैसे निकलेगा, जहां पर एक्स है वहां पर 21, यानी 21 का टोटल कॉस्ट माइनस में 20 यूनिट का टोटल कॉस्ट, माइनस कर दो तो बचेगा क्या, 21st यूनिट का कॉस्ट। तो लीजिए 1500 प्लस 30, एक्स की जगह पे 21 प्लस 21 का स्क्वायर, माइनस फिर से वही कॉस्ट 1500 प्लस 30, एक्स की जगह पे 20 प्लस 20 का स्क्वायर। चलिए कीजिए, 1500, 21 तिया 63, 630 प्लस 21 का स्क्वायर 441, माइनस ठीक है जी 1500, 600, 400, तो कितना हो गया, 1500, 600, 400, 2500, 2500, और ये हो गया 2571, माइनस ये कितना हो गया 2500, माइनस करेंगे 71 रुपीज़। तो बच्चों 21st यूनिट की जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 71 रुपीज़। तो इस चीज को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसके जैसा ही, अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए फिर अगला कराता हूं। तो लीजिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन हाजिर है। बच्चों फिर से आपको एक कॉस्ट दे दी गई है, किसी फंक्शन कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया है, और अब की बार भी आपसे चार चीजें, पांच चीजें, सॉरी पांच चीजें निकालने के लिए कहा गया आपसे, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिख देता हूं पूरा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एम वी सी बराबर है ए वी सी के। अब इसमें काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, इसमें से कई सारी बातें आपको अभी जानना जरूरी है। तो बच्चों इस चीज को कैसे किया जाए, इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो मैं जैसे जैसे सॉल्व करता चला जाऊंगा एक एक चीज का मतलब समझाता चला जाऊंगा। एवरेज कॉस्ट, इसमें मुझे समझाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं एवरेज कॉस्ट कौन है। कौन है जी, कॉस्ट अपॉन में आउटपुट। तो कॉस्ट आपका ये हो गया, ठीक है बच्चों, और अपॉन में आउटपुट आपका क्या है, एक्स। अब आपको पता है क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है बच्चों, इसे आप सब सेपरेट कर लीजिए। ठीक, इससे कैंसिल आउट होगा 2, 1x से 1x, एक्स एक्स ये तो कटेगा नहीं, तो 0.005x2, 0.02x, सॉरी x माइनस 30 प्लस 5000 अपॉन x,
ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट, ठीक है बच्चों। अच्छा अब बात आती है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, सेकंड पॉइंट मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, MAC। अच्छा मार्जिनल का मतलब क्या था? जैसे ही बच्चों हमने मार्जिनल कॉस्ट बोला था तो वहां पे हमने क्या किया था, कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दिया। सच समझ में आ रही बात भाई? हमने कहा हमारे पास कॉस्ट है, उसने फिर कहा कि भाई आप एवरेज कॉस्ट निकालिए, तो चलिए जी हमने क्या किया, कॉस्ट का अपॉन में एक्स ले आए, आउटपुट ले आए और हमारा एवरेज कॉस्ट आ गया। लेकिन अब की बार क्या है, जब हमें मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है तो हम कॉस्ट का डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन अब बोला जा रहा है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी कॉस्ट होगी, एवरेज कॉस्ट होगी, हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो बस भाई एवरेज कॉस्ट ये है, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, बात खत्म। एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव चलिए कीजिए, 0.005 एक्स स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स माइनस 30 प्लस 5000 अपॉन एक्स, और इसका हमें करना है डेरिवेटिव। अच्छा तो बच्चों डेरिवेटिव कैसे किया जाए, ध्यान से सुनेंगे जरा। हाँ जी, तो डेरिवेटिव कैसे, 0.005 अपनी जगह पे फिक्स, पावर आगे एक कम, 0.02 एक्स का क्या बनेगा 1 30 0। अच्छा अब मैंने इसके बारे में तो आपको बताया है कि जब अपॉन में एक्स हो, जब अपॉन में एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट याद करो कि नीचे जितनी भी पावर है, ठीक है, नीचे जितनी भी पावर है उसके माइनस से या मल्टीप्लाई। चलो अगर मैं फिर से याद दिला देता हूँ, कुछ बच्चों को पता नहीं समझ में आया नहीं आया, कुछ बच्चे डाउट कह भी रहते, फिर से इस बात को देख लो, मैं इस वाले कंटेंट को उठा रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है, 5000 अपॉन एक्स को। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आप कभी मान लीजिए ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन में x² 1 अपॉन में x 1 अपॉन में x³ 1 अपॉन में x³ कुछ भी हो, ठीक है, और जरूरी नहीं है 1 2 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 50 60 100 1000 जो मर्जी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, ऊपर कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे कंटेंट का डेरिवेटिव कैसे किया जाए, तो प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है ये, पता कैसे, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर जो भी डिजिट है ना उसको वैसे ही छोड़ दो, ऊपर जो भी डिजिट है उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक। नीचे नंबर क्या है, नीचे नंबर दिखा हमें 3, जरूरी नहीं है 3 हो, कोई सा भी होगा सब चलेगा, जो भी नंबर होगा उसके माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे एक नंबर इंक्रीज कर दो, आंसर आपके सामने। पल्ले पड़ रही बात, एक और ले लेते उदाहरण, मान लो 500 अपॉन में एक्स का क्यूब ये दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, 500 अपनी जगह पे फिक्स, नीचे क्या है 3, 3 की जगह चलो 4 ले लेते हैं, 4 है माइनस का 4 ले लेंगे, एक पावर नीचे क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, कितना आ गया माइनस का 2000 बटे में एक्स की 5। पल्ले पड़ रही बात, तो बस सेम चीज, लो जी यहां पे कौन है एक्स, इसकी पावर कितनी दिखाई दे रही है 1, तो माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5000 हो जाएगा, एक पावर नीचे बढ़ा देंगे x². पल्ले पड़ गई बात, तो इतना सा करना है, ठीक। तो इन्हीं चीजों को बेसिक्स को समझो और करते चले जाओ। तो ये देख लीजिए ये चैप्टर ना नकली है, एक नंबर बिल्कुल, बहुत आसान चैप्टर है आपके लिए, फ्री गिफ्ट है ये, समझ लीजिए। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी क्या बन जाएगा जल्दी बताओ फटाफट क्या बन जाएगा, ये 0.005 x, हाँ जी क्या बनेगा जल्दी बताइए, ये बनेगा आपका 0.01 x, ठीक है, माइनस 0.02, और ये 30 तो बन चुका है 0, और ये क्या बनेगा माइनस का 5000 अपॉन में x², ये आपका आ गया MAC, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। पल्ले पड़ गया सभी को, ठीक। चलिए अब क्या है मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट तो हम अच्छे से जानते हैं कौन होता है भाई, कॉस्ट का डेरिवेटिव। तो कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों, 0.005 x³, 0.02 x², 30 x प्लस 5000 डेरिवेटिव कीजिए, हाँ जी 0.005 पावर आगे एक कम माइनस 0.02 x पावर आगे एक कम माइनस 30 x का 15000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 3 15, 0.015 x²
दो दुनी चार 0.04x, और ये 30। तो बच्चों ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, ये क्या आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा अब फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट, अब बोला गया फोर्थ पॉइंट में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, समझो पहले बात को। रेट ऑफ चेंज का मतलब भी होता है डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज का मतलब भी क्या होता है डेरिवेटिव करना, रेट ऑफ चेंज का मतलब भी क्या होता है डेरिवेटिव करना, मतलब इसके जो भी कंटेंट है उसके अंदर हम कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं, उसके रेट्स में कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं। यानी जहां जहां पे हमें भाई रेट ऑफ चेंज लिखता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लो वहां पे हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है। और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और किसका करना है मार्जिनल कॉस्ट का, किसका करना है मार्जिनल कॉस्ट का। मतलब एक तरीके से पता क्या हुआ, ये जो आपने मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाला है ना, या आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट निकाला है, सच बताऊं तो असल में जो आपने मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकाला है वो क्या निकाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो इसी प्रकार से क्या बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या सभी प्यारे बच्चे मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर लेंगे आराम से, ठीक है हो जाएगा या मैं कर दूं? चलिए कर देता हूं मैं। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है प्यारे बच्चों। अब आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे होगा, पावर आ गया एक कम, और इसका एक्स का तो 1, 30 का 0, तो ये बन गया कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, तो 0.030, ठीक है, या 0.03 लिख लो तब भी सही है, और ये बन जाएगा कितना 0.04, बाकी वो तो एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का क्या भाई रेट ऑफ चेंज, क्या आ गया मार्जिनल कॉस्ट का क्या आ गया रेट ऑफ चेंज। तो बस आपको इतना सही करना था, बहुत सिंपल सा कंटेंट है, ठीक। अच्छा अब रह गया बच्चों इसका क्या, अब इसका रह गया फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो अगर एम वी सी बराबर है ए बी सी के। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, इसका फिफ्थ पार्ट कराने जा रहा हूं मैं, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों आखिरी पार्ट इसका ये था कि एमवीसी बराबर अगर एवीसी है, इफ एमवीसी इज इक्वल टू एवीसी है तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमवीसी की फुल फॉर्म मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, और एवीसी की आप समझ गए होंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तभी तो मार्जिनल और एवरेज निकालोगे। तो बच्चों पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालो, वेरिएबल कॉस्ट मतलब इस कॉस्ट के अंदर जिस जिसके पास एक्स है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सा है, 0.005 x की क्यूब माइनस 0.02 x का स्क्वायर माइनस 30 x, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में एक्स, तो 0.05 x³ 0.2 x² 30 x अपॉन में एक्स, 0.05 x का क्यूब अपॉन में एक्स, 0.02 x का स्क्वायर अपॉन में एक्स, 30 x अपॉन में एक्स, एक्स है एक्स, एक्स है एक्स, एक्स है एक्स, तो कितना 0.005 x² 0.02 x, और प्यारे बच्चों 30, ये आपका ए वी सी आ गया। अब आता बच्चों, अब आता है कि एम वी सी कैसे निकाले। तो बच्चों क्या करेंगे, वी सी का डेरिवेटिव करेंगे। वी सी कितना है बच्चों, 0.005 x का क्यूब माइनस 0.02 x का स्क्वायर माइनस 30 x, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कैसे होगा डेरिवेटिव कीजिए,
पावर आगे एक कम, फिर से भाई पावर आगे एक कम और ये तो वन बन जाएगा, है ना। तो ये बन गया 5 3 15 x2, 2 2 4 x और ये 30। तो ये आ गया बच्चों आपका एम वी सी और ये आ गया आपका बच्चों ए वी सी। और कह रहा है कि इफ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर एम वी सी बराबर है ए वी सी के तो x की वैल्यू क्या होगी। तो एम वी सी कितना है बच्चों, एम वी सी 0.015 x2, 0.04 x माइनस 30 इज इक्वल टू, ए वी सी कितना है 0.005 x2 माइनस 0.02 x माइनस 30। हाँ जी बच्चों, अब क्या करो, सारी इन वैल्यूज को उठा के इस तरफ ले आओ, 0.015 x2 माइनस 0.04 x माइनस 30। प्यारे बच्चों ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, फिर ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये भी इधर आएगा प्लस का होगा, यानी इक्वल के इस तरफ उठ के आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों माइनस प्लस कैंसिल आउट। अच्छा 0.015 में से 0.05 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो 0.010 यही बचेगा। अच्छा इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना बनेगा भाई, माइनस का 0.02 x, ठीक है बाकी तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाली चीज उस तरफ चली जाएगी 0.010, ठीक एक्स स्क्वायर, और ये उधर जाके 0.02 x। अच्छा एक एक्स है बच्चों, हम एक एक्स ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व कर, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो कैसे बना, यहाँ से एक्स से एक्स कट गया तो 0.0, अब 1 के बाद 0 लगाने का कोई नहीं, इतना भी कर सकते हो बहुत है, 0.02। अब बच्चों क्या करना है, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके क्या करेगा डिवाइड, तो कीजिए डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू 0.02 अपॉन में 0.01। हाँ जी 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट कटा 0 0, तो आंसर क्या बच्चा 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमें ये निकालना है। तो प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यानी अगर x की वैल्यू 2 रहेगी तो MVC बराबर किसके रहेगा, AVC के, किसमें वेरिएबल कॉस्ट में, ठीक है। तो आपको ये करना है, मैंने आपको तकरीबन 2 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब बाकी के क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, आपको ट्राई करना है, फिर उसके बाद जो भी डाउट रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे रेवेन्यू के टॉपिक पे चलेंगे और इसके डाउट लेंगे, ठीक। चलिए बाय।